तो गूगल, आप अपने क्या है सिस्टम को गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर लोगे, तो जो भी आप बैकअप लोगे ये बैकअप की फाइल आपके कंप्यूटर के ड्राइव में भी सेव कर देगा और गूगल के ड्राइव में भी सेव कर देगा। तो अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई डैमेज हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है कि डेटा रिकवरी नहीं हो सकता, तो फिर क्या है गूगल ड्राइव है। अब गूगल कब तक है ये तो आपको ही पता है, जब तक गूगल है तब तक आपका डेटा है, ठीक है। तो आप गूगल ड्राइव से भी आप क्या है कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इसको कनेक्ट करना है अपने गूगल ड्राइव से, तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना है। सबसे पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि आपका डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है। अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोर पे खुलेगा तो वहां से जो है दिक्कत आती है। आपका जो ब्राउजर है बाय डिफॉल्ट होना चाहिए गूगल क्रोम। अगर गूगल क्रोम है तो आपका जल्दी से कनेक्टिविटी हो जाता है, उसमें कोई एरर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे ना कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल पे आना पड़ता है सॉफ्टवेयर की सेटिंग के लिए, और यहाँ प्रोग्राम का ऑप्शन होता है, यहाँ डिफॉल्ट प्रोग्राम आता है, और डिफॉल्ट प्रोग्राम के अंदर है सेट डिफॉल्ट योर प्रोग्राम। कि अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि इंटरनेट के लिए आपने बाय डिफॉल्ट क्या सेट किया हुआ है। तो कंपनी की तरफ से जो भी विंडोज आती है, लैपटॉप आता है, तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोर बाय डिफॉल्ट सेट होता है। तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी हो नहीं पाती गूगल ड्राइव से। तो अगर हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट जो है आपका लगा हुआ है, अब ये दिक्कत करता है। तो हम इसकी जगह क्या है इस पे क्लिक करके इसको लगा देंगे गूगल क्रोम। हाँ गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम बहुत लाइट है और बहुत यूजर फ्रेंडली है। अब ये गूगल क्रोम आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो गया है। अब गूगल क्रोम सेट हो गया, अब आपको अपने गूगल क्रोम पे लॉगिन करना है जिस आईडी में भी आप सेव करना चाहते हैं, क्योंकि गूगल ड्राइव क्या है आपके जीमेल से कनेक्ट होता है। तो जीमेल आईडी आपको लॉगिन करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको गूगल ड्राइव कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर से गूगल ड्राइव को कनेक्ट करोगे तो आपके पास कुछ सेकंड का टाइम होता है, 20 सेकंड, 40 सेकंड। अब अगर लॉगिन नहीं है तो हमें लॉगिन करने में ही क्या है 40-50 सेकंड लग जाते हैं, और उस टाइम पे क्या है टाइम आउट हो जाता है, और टाइम आउट होने का फिर दोबारा से यही रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि अपना गूगल क्रोम वगैरह पहले से ही आप अपना डिफॉल्ट कर दो और लॉगिन करके रखो, ताकि सॉफ्टवेयर से जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे गूगल ड्राइव को तो 1 सेकंड में हमारा काम हो जाए, कहीं पे भी कोई भी रुकावट ना आए। अब यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं गूगल, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, अब देखते हैं कौन सी आईडी आपकी लॉगिन हो रखी है। अभी देखिए यहाँ पे आपकी जो आईडी है, अब यहाँ पे आपको शो हो जाएगी आपकी आईडी यहाँ पे लॉगिन हो रखी है। अगर आप चाहते हैं कि इसी गूगल ड्राइव से मेरा जो डेटा है वो सिंक हो जाए, तो आपको गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करके रखना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, मास्टर के मेनू में आना है। मास्टर के मेनू में आने के बाद क्लाउड बैकअप सेटअप, अब इस क्लाउड बैकअप सेटअप पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ओके करना है, ओके करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब ये जो है ना, ये आपका सबसे, ये बहुत पुराना वर्जन है, 13.11 का वर्जन है। इसको अपडेट कराने के लिए बोल रहा था सॉफ्टवेयर, जो अभी नोटिफिकेशन आ रहा था। अब इसको जो है ना अलाउ करना है, जो ये डिफेंडर ओपन होता है इसको अलाउ करना है। अगर आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आपका जो है इंटीग्रेट होगा नहीं। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी आपको शो हो जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि आपका गूगल ड्राइव कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें कितने, सिर्फ 10 सेकंड लगे। अगर हमारा यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोर होता तो हमें काफी दिक्कत आती। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो यहाँ पे भी आ चुका है। अब आपने जो है इस वाली जीमेल आईडी पे 100 GB का प्लान लिया हुआ है अपने गूगल ड्राइव का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप बैकअप लेंगे, अब इसको आप एग्जिट कर देंगे, इंटीग्रेट करने का सिर्फ इतना ही प्रोसेस है इसमें। और ये जो है आपका सिर्फ एक ही कंपनी से अभी इंटीग्रेट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सारी कंपनी में हो जाए तो सारी कंपनी में आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अच्छा हाँ, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने एक क्लाइंट को बताया, उनके पास 6-7 कंपनी थी, तो मैंने एक कंपनी में करके उन्हें बता दिया कि कैसे इंटीग्रेट करना है। तो उनके अब जजमेंट में यही लगा कि उनके जो भी उनकी कंपनी से सारा डेटा उनके गूगल ड्राइव से कनेक्ट हो गया है। बट क्या है कि वो एक ही कंपनी कनेक्ट हुई थी, अब उनकी किसी दूसरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि उसका डेटा जो है गूगल ड्राइव पे सेव है, बट वहां पे सेव था नहीं। तो यहाँ पे जो अभी आपका गूगल ड्राइव इंटीग्रेट हुआ है वो सिर्फ ऑनलाइन सुपरमार्केट के लिए इंटीग्रेट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा आरएल ट्रेडर में भी इंटीग्रेट हो जाए, केशव एंटरप्राइजेस में भी इंटीग्रेट हो जाए, धनमंत्री में भी इंटीग्रेट हो जाए, तो हर कंपनी में जाकर मास्टर के अंदर ऑप्शन आएगा, ठीक है। और उसके जी बाद फिर आप कैसे गूगल ड्राइव पे बैकअप लेंगे, अब इस पे कंपनी पे आपको एंटर करना है, और यहाँ बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एंटर, अब इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे।
अब जैसे ही यस करेंगे, एंटर एंटर करेंगे, तो सबसे पहले ये बैकअप लेगा आपके लोकल ड्राइव में, उसके बाद आपका ये बैकअप ले रहा है गूगल ड्राइव पे। देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है प्लीज वेट, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में मिली है क्लाउड ड्राइव बैकअप सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर आप अपने गूगल ड्राइव में जाके देखेंगे तो गूगल ड्राइव के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मार गीआरपी का फोल्डर बन गया है और उसके अंदर आज का डेटा आपका अपलोड हो गया है। अब ना ही तो आपको अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करनी पड़ी, ना ही गूगल ड्राइव ओपन करना पड़ा और ना ही कुछ अपलोड करना पड़ा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। ये देखो मार गीआरपी का फोल्डर बन गया, ये रहा मार गीआरपी का फोल्डर और इसके अंदर आपका डेटा अपलोड हो गया। तो आज जो भी आपने काम किया उसका डेटा आपकी जो आपका स्टोरेज है गूगल जो हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क में भी सेव हो गया है और गूगल ड्राइव पे भी सेव हो गया। अगर कभी इन फ्यूचर ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए डैमेज हो जाए तो आपका डेटा गूगल ड्राइव पे है, बस आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते के साथ ही आप वहीं से काम कंटिन्यू कर सकते हो जहां से आपने अब तक काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सेफ पॉइंट है। अब जैसे जैसे हमने सुपर इसमें ऑनलाइन सुपरमार्केट में किया है, ऐसी आप जिस कंपनी में चाहते हैं करने के लिए आप उस कंपनी में कर सकते हैं। बस आपको क्या है कि जाना है, एंटर करना है, यहां पे जाना है इसके लिए आपको बस मास्टर और मास्टर में क्लाउड बैकअप सेटअप। अब इसमें आप जाएंगे और उसके बाद फिर आगे आपको पता है सिर्फ गूगल ड्राइव को अलाउ करना है आपको। जैसे ही अलाउ करेंगे तो इसका डेटा फिर आपके उसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है रिस्टोर डेटा। अब जैसे जो आप बैकअप ले रहे हैं, अब इसका जो डेटा है डेटा रिस्टोर यहां से होगा आपके। अब सपोज कि आपके इस पीसी में कोई प्रॉब्लम आ गई या हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई लेकिन आपके पास जो डेटा है वो गूगल ड्राइव पे है, तो आप अपने गूगल ड्राइव पे गए, लॉग इन किया आपने, इस डेटा को आपने राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर में रिस्टोर करना पड़ेगा। ये डेटा तो आपका डाउनलोड हो गया, अब इस डेटा को आप सो इन फोल्डर करके डेस्कटॉप पे लेके आ जाओ सबसे पहले, तो क्योंकि यहाँ ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इसको हमने कॉपी किया, यहाँ से राइट क्लिक किया इसके ऊपर, और राइट क्लिक करके इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करके हमने इसे डेस्कटॉप पे रख दिया क्योंकि डेस्कटॉप पे जल्दी से फाइल मिल जाएगी हम, और इस फाइल का नाम है ONSU। अब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, अब ये है रिस्टोर का ऑप्शन। सपोज इस कंपनी के अंदर जो है ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ डेटा जो है करप्ट शो कर रहा है हमें, लेकिन हमने कल इसका बैकअप लिया हुआ था तो उसका बैकअप हमने गूगल ड्राइव से डाउनलोड किया। अब हम इसको रिस्टोर करके ठीक कर लेंगे। अब रिस्टोर पे हम एंटर करेंगे और रिस्टोर पे एंटर करने के बाद रिस्टोर फ्रॉम फाइल, अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि आपकी फाइल है कहाँ। तो हमने अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे रख दिया, तो मैंने अब यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्टरी पे और सबसे ऊपर डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये रही हमारी फाइल ONSU। अब इस पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे ये कह रहा है कि ये कंपनी ऑलरेडी बनी है तो आपको एक अलग से क्रिएट करनी है या आपको ओवरराइट करना है, तो हमें ओवरराइट करना है। हम इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखो ये टाइप करने के लिए कह रहा है कि ये रिस्टोर आप टाइप करो यहाँ पे। ये इसीलिए टाइप करने को कहता है, कभी कभी हमें पता नहीं होता, हम एंटर एंटर करते हुए चले जाते हैं और फिर हमारा डेटा जो है मर्ज हो जाता है, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे जब तक आप टाइप नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अब जैसे मुझे करना है तो मैंने टाइप कर दिया इसको। अब ये क्या करेगा कि जो मेरा डेटा कल का था जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी और जो मैंने गूगल ड्राइव पे बैकअप लिया हुआ था, अब ये दोनों को मर्ज कर देगा। तो जो भी ऐसा एरर है वो एरर रिजोल्व हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं शो होगा।